हेलो एंड वेलकम सभी विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से। कैसे हैं भाई आप लोग? चलिए उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, है ना। हम भी ठीक हैं एकदम बढ़िया से, ठीक है। चलिए आप आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको आइलेंस थ्योरम के बारे में, है ना भाई। एक तो आप लोगों ने रिपीट कर लिया करिए, ठीक है ना। जो वीडियो बनता है, जो वीडियो आप देखते हैं, तो वो क्लास जब भी आप देखते हैं, तो क्लास ख़त्म होने के बाद जब भी आपके पास टाइम मिले तो आधा घंटा उसको दे दिया करिए, ठीक है ना। आधा घंटा 10 मिनट बच्चे टू इंटू करके दोगुना स्पीड में चलाइए, बढ़िया से एकदम पढ़ा हुआ रहेगा, सब रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। नोट्स में लिखते जरूर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ थ्योरम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, एग्जाम में आते भी हैं, है ना। तो ध्यान रखना आप लोगों को इसका, ठीक है ना। और सब लोग जुड़ के बढ़िया से अटेंडेंस लगा दीजिए सब लोग, ठीक है ना। इस थ्योरम में हमने क्या बताया था आपको, कोई फंक्शन आपको यू हो, देखिए आप आज आपको बताएंगे कि इस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस एग्जांपल्स के तौर पर हम लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए यू इक्वल्स टू, हमने क्या कहा था, एक्स की पावर एन एफ वाई बाई एक्स। अगर इस फॉर्म में होता है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास यू एक्स की पावर एन एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होता है, होमोजीनियस होता है, ठीक है ना। होमोजीनियस, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, इसके न्यूमरेटर के सारे जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर सेम हो, और डिनोमिनेटर के जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर क्या हो, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो कौन से फंक्शन होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन होते हैं, तो ये याद रखिएगा। हमने क्या कहा, होमोजीनियस फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया है, और जहाँ एन क्या है, एन उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है, ठीक है ना, डिग्री है, ठीक। तो हम क्या कहते हैं, अगर इस फॉर्म में आपको दिया जाता है, तो आयलर ने क्या कहा था, अगर इस फॉर्म में दिया जाता है और कहा जाता है कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y, यानी पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये हमेशा n टाइम्स u, n u के इक्वल रहेगा, ठीक है ना। जहाँ n क्या है, डिग्री है, ठीक है। हमने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था निकालने का, जो न्यूमरेटर होता है उसकी पावर माइनस पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर, दोनों क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, एन हो जाता है, और यू आपके पास जो फंक्शन है का फंक्शन रहेगा। तो आपको इस फॉर्म में करना है, डायरेक्ट आप यहाँ ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी को थोड़ा और बढ़ा के उन्होंने कहा था, ये पहला हो गया इनका, ठीक है। सेकंड उन्होंने क्या कहा था, सेकंड कहा था कि अगर आपको देखिए यहाँ पर एक्स डेल यू बाई डेल एक्स है, अगर इसको स्क्वायर में दे, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू वाई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, अगर इस फॉर्म में दे तो क्या करेंगे आप, अगर इस फॉर्म में दे तो आप क्या करेंगे। तो हमने वो भी आपको प्रूव करवाया था पूरा थ्योरम, और क्या बताया था, अगर इस फॉर्म में भी रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एन टाइम्स एन माइनस वन इंटू यू। ये आप दोनों ने ये आप लोगों ने ये दोनों जो थ्योरम है, थ्योरम आपने पढ़ा जाना, और इसके बेसिस पर हमने इसको प्रूव भी किया था, ठीक है ना, हमने प्रूव भी किया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पर, आइलेंस थ्योरम के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, कि किस तरह से कोई क्वेश्चन आता है उसे करने का तरीका क्या होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन जैसे ऐसे आएगा, क्वेश्चन देखिए आने का तरीका क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, ठीक है ना, आता बहुत आसान है क्वेश्चन, बस ये करने का तरीका आपको पता होना चाहिए और कंसेंट्रेट होकर करना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पूरा ध्यान रखना उसका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जैसे एक ये क्वेश्चन है, इफ इफ यू इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 1/4 माइनस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 माइनस वाई की पावर 1/5, ठीक है ना, आपको इस फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, देन प्रूव दैट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, देखिए इस तरह के फॉर्म में आपको दिया जाता है ना,
और डायरेक्ट क्या कहते हैं वो प्रूफ करने के लिए, और प्रूफ में क्या क्या कहते हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू वन बाई ट्वेंटी ऑफ टेन यू, प्रूफ करिए, प्रूफ करिए। अब देखिए आइलर्स थ्योरम की जो महत्ता कहते हैं ना, इम्पोर्टेंस यहाँ आगे समझ में आती है ना। देखिए अगर नॉर्मली आप डिफ्रेंशिएट करके इसको सॉल्व करना चाहेंगे, नॉर्मली अगर आपके पास जो इक्वेशन दिया गया इसको सॉल्व करना चाहेंगे नॉर्मली, तो यहाँ देखिए डेल यू बाई डेल एक्स पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना है आपको, यानी यू को पहले यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना रहेगा, साइन इनवर्स के फॉर्म में है, ठीक है ना, फिर आपको वाई के रिस्पेक्ट में करना रहेगा, अलग अलग करके आप इसको करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, ये फंक्शन ही काफ़ी बड़ा आपको शो करेगा, फंक्शन ही काफ़ी बड़ा है ना। तो क्या होगा नॉर्मली अगर आप करते हैं तो काफ़ी थोड़ा सा मतलब हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, कर लेंगे, करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन जब आइलर इक्वेशन का आप प्रूव करते हैं, आइलर थ्योरम का जब प्रूव करते हैं तो ये इक्वेशन बहुत आसान हो जाता है। किस तरह से आसान हो जाता है देखिए, देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आइलर थ्योरम आपको आता तो है लेकिन आप कहेंगे सर आता तो है लेकिन वो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कैसे करना है सोल्यूशन, देखिए कैसे करना है सोल्यूशन ऐसे करना है, टेबल जो फंक्शन दिया जाता है वो लिख लीजिए, यू इक्वल्स टू क्या है आपके पास, साइन इनवर्स ऑफ एक्स की पावर वन बाई फोर माइनस वाई की पावर वन बाई फोर अपॉन एक्स की पावर वन बाई फाइव माइनस वाई की पावर वन बाई फाइव, ठीक है ना। फंक्शन में देखिए एक्स की पावर वन बाई फोर है, वाई की पावर भी वन बाई फोर है, यानी न्यूमरेटर में जितने भी वेरिएबल हैं सबके क्या है पावर सेम है, सेम ऐसे ही डिनोमीटर की बात करते हैं, डिनोमीटर में क्या कहते हैं जो भी हमारे पास वेरिएबल है सबकी पावर क्या है सेम है, इसका वन बाई फाइव इसका भी वन बाई फाइव है, इसका मतलब क्या है ये फंक्शन जो होगा एक तरह का होमोजीनियस फंक्शन होगा, ध्यान रहे होमोजीनियस फंक्शन में आपको आइलर का यूज़ करना है, ठीक है ना, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप होमोजीनियस फंक्शन है, अब आपने देखा भाई ये तो होमोजीनियस फंक्शन है, आप डायरेक्ट इसमें आइलर का इक्वेशन आइलर का थ्योरम लगा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे सिंस इक्वेशन फर्स्ट, सिंस इक्वेशन फर्स्ट ये यू कहें फंक्शन यू इज होमोजेनियस फंक्शन, अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है इसका मतलब क्या है, देयरफॉर वी कैन अप्लाई आइलर्स थ्योरम, ठीक है ना, मेरे को कर सकते हैं। और करने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए आइलर थ्योरम तो आप समझ गए, डेल यू बाई डेल एक्स सॉरी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स यू आप कर देंगे, लेकिन सर इसको लिखना कैसे, देखिए कैसे लिखना है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, यू इक्वल्स टू आपके पास क्या है भैया साइन इनवर्स एक्स की पावर वन बाई फोर माइनस वाई की पावर वन बाई फोर अपॉन एक्स की पावर वन बाई फाइव माइनस वाई की पावर वन बाई फाइव, आपको करना क्या है यहाँ से, अगर साइन इनवर्स हम यहाँ लेकर आए, इनवर्स यहाँ लेकर आए तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन यू, हो जाएगा ना साइन यू, है ना, यहाँ पर देखिए साइन यू बराबर है इक्वल्स टू में क्या बचा हमारे पास एक्स की पावर वन बाई फोर, क्या बचेगा एक्स की पावर वन बाई फोर माइनस वाई की पावर वन बाई फोर अपॉन एक्स की पावर वन बाई फाइव माइनस वाई की पावर वन बाई, ऐसे देखिए सेम वे रहेगा हर एक क्वेश्चन का, जो भी ऐसे क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएंगे सबका सेम वे रहेगा, और सेम ऐसे अब यू मान लेंगे डायरेक्ट, सॉरी यू आपको दिया रहेगा, अब साइन यू निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, निकालने के बाद क्या करेंगे आप डायरेक्ट इसको कह देंगे भाई दिस इज इक्वल्स टू जेड, है ना, यानी साइन यू को हम जेड मान लेते हैं, साइन यू को जेड मानने का मतलब क्या होता है, जेड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी एक्स की पावर वन बाई फोर माइनस वाई की पावर वन बाई फोर अपॉन एक्स की पावर वन बाई फाइव माइनस वाई की पावर वन बाई, ठीक है ना। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, जेड आपको ये मिल गया ना, आपको जेड यहाँ से मिल गया, अब जेड के लिए क्या करेंगे आप आइलर्स थ्योरम लगाएंगे, कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, अप्लाइंग आइलर्स थ्योरम इन क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड में हम क्या करेंगे आइलर्स थ्योरम लगाएंगे, और आइलर्स थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे आइलर्स थ्योरम क्या कहते हैं एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, जान रहे हैं यू नहीं है जेड होगा, आप इक्वेशन सेकंड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन जेड हमारे पास है, ठीक है ना, कि यू है, ठीक है, यू अलग है, तो
तो क्या करेंगे आप, x x डेल जेड वाई डेल एक्स प्लस वाई वाई डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ u, सॉरी एन टाइम्स ऑफ z, यही होता है ना। आइए थ्योरम क्या कहता है हमारा, आइए थ्योरम क्या कहता है, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई टू एन जेड होना चाहिए, है ना। अगर ये होना चाहिए इसका मतलब आप डायरेक्ट इसमें कंपेयर करिए आंसर, सॉरी वैल्यू पुट करिए, तो क्या आएगा, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन का मतलब क्या है, हमने डायरेक्ट बताया था 1/4 पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर 1 - 1/5 ऑफ जेड, ठीक है ना। एक बात और देखिए, यहाँ से जेड की वैल्यू आपने क्या माना है, साइन यू, जेड की वैल्यू आपने क्या माना है, साइन यू, तो आप साइन यू की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, और साइन वैल्यू को जब पुट करेंगे वैल्यू तो आपको बस क्या आएगा, देखिए एक्स ऑफ डेल बाई डेल एक्स साइन यू, ठीक है, प्लस वाई डेल बाई डेल वाई और साइन यू, यहाँ से क्या बचेगा 20 LCM बचेगा, ठीक है 5 - 4 और जेड की जगह क्या रखेंगे साइन यू, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ एक बात क्या होता है, कई बार लोग गड़बड़ी करते हैं, गड़बड़ी किस तरह से करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद मान लेते हैं ये u है, x u है और ये v है, है ना, u into v के फॉर्म में क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ डिफ्रेंशिएशन नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में, ये एक्स मल्टीप्लाई में है, डिफ्रेंशिएट बस इनको करना है, यहाँ भी वाई बस मल्टीप्लाई में है और डिफ्रेंशिएट बस इनको करना है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि डेल एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और एक्स हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट लोग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज आपको नहीं होना, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बस ये किया जा रहा है, एक्स इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए एक्स ऑफ साइन यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कोस यू, और यू का हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, साइन यू का हो गया और यू का डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस वाई ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में इंटू सेम ऐसे यहाँ पर साइन का, साइन यू का हो जाएगा कोस यू, ठीक है ना, और यू का क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 - 4 इक्वल्स टू 1/20 ऑफ साइन यू, कोस यू उसमें भी है, कोस यू इसमें भी, तो हम क्या करते हैं दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेकर क्या आएगा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया हमने क्या, कोस यू अंदर क्या बचा, एक्स टाइम डेल यू बाई ऑफ डेल एक्स प्लस वाई टाइम डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1/20 ऑफ साइन यू, है ना, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएंगे, और डिवाइड में जाकर ये क्या बनेंगे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 1/20 पहले से है, 1/20 पहले से है, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा साइन यू बाई कोस यू, है ना, यानी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस टू 1/20 ऑफ टेन यू, ठीक है ना 1/20 ऑफ 10 u, ये आपने प्रूफ किया, आइलेस का थ्योरम लगाया और आपने प्रूफ किया, है ना, हमको प्रूफ भी यही करना था, क्या देखो जरा, हमको प्रूफ भी यही करना था, 1/20 ऑफ 10 u, ठीक है, 1/20 ऑफ 10 u हमको प्रूफ भी करना था, ठीक है, और हमने प्रूफ भी कर दिया, नॉर्मल आसान सा तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। देख लीजिए एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल एक्स टू 1/20 ऑफ 10 u, करने का तरीका बहुत आसान है, ठीक है ना, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी, 10% भी समझ में आया होगा ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इसमें आप समझ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ इफ यू इक्वल्स टू हम ई की फॉर्म मान लेते हैं, मान लेते ई है, ठीक है ना, मान लेते हैं ई है, ई के फॉर्म में आप मान सकते हैं, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, मान लीजिए यू यू हमारे पास ये है, देन देन फाइंड
then find del u by, sorry, x del u by del x plus y del u by del y equals to zero. ठीक है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेम वही आप यहाँ क्या देख रहे हैं, फंक्शन के बारे में तो जानेंगे, फंक्शन किस तरह का है ना, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे. देखिए ये क्वेश्चन जो है ना प्रूफ में आता है. ठीक, सॉल्व करेंगे तो बहुत कम आते हैं, प्रूफ में आता है, लेकिन हमने एग्जाम्पल लिया है तो हमको पता नहीं कि प्रूफ में क्या आने वाला है. ठीक है ना, ये एग्जाम्पल रटे, कुछ रटे हुए चीज़ तो है नहीं, है ना, एग्जाम्पल है, हम देखते हैं प्रूफ लास्ट में क्या आता है. ठीक है ना, प्रूफ में कैसे देगा कि डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू कुछ दे देगा आपको, प्रूफ करिए, तो उसको हम सॉल्व करें तो वो हमारे पास आ जाएगा. हालांकि हमारे पास डायरेक्ट हमने एग्जाम्पल लिया है, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे क्वेश्चन नहीं लिया, तो इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हमने बस एक लिख दिया कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी. ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन देखिए, यू इक्वल्स टू क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, सपोज हमारे पास ये है. ठीक है ना, आपको इससे मतलब नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, इससे भी मतलब नहीं है कि इसके साथ कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, है ना, उससे मतलब नहीं है, मतलब किस चीज़ से होना चाहिए, बस ऊपर की पावर नीचे की पावर. पहले देखिए डायरेक्ट हमने क्या कहा था, अगर इस तरह का है तो इसको इनको फंक्शन में ई को हटाना चाहते हैं और इसको अलग से रखना चाहते हैं, तो क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, लॉग टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड देखिए लॉग लेने चाहिए तो हो जाएंगे लॉग यू. ठीक है ना, और यहाँ लॉग और ई रहता है तो क्या होता है, कट जाते हैं और जो आता है वही डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई. ठीक है ना, होगा ना, फिर हमने क्या कहा था, अब लॉग यू या जो फंक्शन आप निकालेंगे उसको जेड मान लेंगे, फिर वो आपके ऊपर है, जेड माने यू सॉरी यू नहीं जेड माने या फिर ए बी सी डी जो इसमें पहले से ना आया हो वो मान सकते हैं. ठीक है, जेड मान ली, अब एक्स वाई की बात करें, जेड मान लेते हैं. ठीक है ना, और अगर ये जेड है यानी जेड इक्वल्स टू वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, दोनों एक चीज़ है, एक चीज़ है ना भाई, एक ही चीज़ है ना. तो अब क्या करते हैं, देखते हैं पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई. यहाँ देखिए पावर ऑफ न्यूमरेटर कितना है, दो, एंड पावर ऑफ डिनोमीटर कितना है, एक, है ना, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, सिंस द फंक्शन जेड इज अ होमोजेनियस फंक्शन, इज अ होमोजेनियस फंक्शन दैट इज पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल्स टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है ना, सॉरी, पावर ऑफ न्यूमरेटर फॉर एवरी इज सेम. ठीक है ना, यहाँ देखिए दैट इज पावर ऑफ डिनोमिनेटर एंड पावर ऑफ न्यूमरेटर फॉर एवरी वैल्यू इज सेम. ठीक है ना, होमोजीनियस हमने बताया था आपको क्या होता है, वही हम लिख दिए यहाँ पर. अब अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं, लिख देंगे आप, देन वी कैन अप्लाई आयलर थ्योरम क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करेंगे तो देखिए आयलर थ्योरम क्या कहते हैं कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस, एक मिनट हम जेड निकालेंगे, थ्योरम फोर फंक्शन जेड और द फंक्शन ऑफ जेड, और जेड के निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट, देखिए एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस एक्स डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ यू एन टाइम्स ऑफ जेड. ठीक है ना, अब देखिए एक्स डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड क्या है, लॉग यू प्लस यहाँ से देखिए एक्स डेल बाई सॉरी वाई वाई ठीक है वाई है वाई डेल बाई डेल एक्स डेल वाई ऑफ जेड की जगह क्या है लॉग यू इक्वल्स टू एन, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमिनेटर, पावर ऑफ न्यूमरेटर टू है, पावर ऑफ डिनोमिनेटर क्या है वन, एंड टू माइनस वन क्या जाओ यहाँ से टू माइनस वन, जेड जेड की वैल्यू क्या है लॉग यू.
log u, ठीक है ना। यानी यहाँ से आप डायरेक्ट अगर निकालना चाहें x डेल बाई डेल x ऑफ log, x log u को क्या होगा, log u का 1 बाई यू और u का हो जाएगा डेल u बाई डेल x, प्लस y पहले से है डॉट log u का हो जाएगा 1 बाई यू और u का होगा डेल u बाई डेल x, लेकिन हम पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा इक्वल्स टू यहाँ से 2 माइनस 1 क्या होगा 1 इंटू log u, ठीक है ना। बस आगे आगे बस और करना है क्या, बस आपको डायरेक्ट रख देना है, देखिए x बाई यू डेल u बाई डेल x प्लस y बाई यू डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू log u, ठीक है ना। अब क्या देख रहे हैं, अब u 1 बाई यू क्या है कॉमन है, 1 बाई यू कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं हमारे पास, तो 1 बाई यू अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू log u, log u, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहाँ से आप x x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y फाइंड आउट करना चाहें तो कितना आएगा, u टाइम्स log u, ठीक है ना। एक एक हमें डायरेक्ट क्वेश्चन क्या लिया था, ये फाइंड आउट करना है x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y, तो कितना आएगा u log u, ठीक है ना। अगर आप u की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, u की जगह वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। u की वैल्यू क्या है, a की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई, हमने जो लिया था फंक्शन वही आएगा, ठीक है ना। तो आप बस इतना वैल्यू निकाल के पुट करके रख देंगे। एक्चुअल में क्वेश्चन ये कैसे पूछ सकते हैं कि अगर क्या पूछ सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर कोई फंक्शन u e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई है, देन फाइंड द, इसके बजाय ऐसे कर देगा देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू u log u। चलिए क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे एकदम बढ़िया से नॉर्मल वे से पूरा रहेगा, डायरेक्ट बस आइलर फॉर्मूला लगाना है, आंसर आपको निकालना है, ठीक है ना। एक आध और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन दिया गया प्रूफ करने के लिए, u इक्वल्स टू अभी दिया है कोस इनवर्स के फॉर्म में, कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है दिस, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट दैट x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस 1 बाई 2 कोट u इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना, आपके पास आपको ये वाला प्रूव करना है, ठीक। तो सेम वही वे तरीका हमारे पास वही रहेगा, सेम सेम सॉल्यूशन क्या है, u इक्वल्स टू क्या है, कोस इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है ना। यानी ऐसा क्या कर, कोस u निकालेंगे, कोस u फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, यही बचेगा ना, एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई यही बचेगा आपके पास। अब क्या करेंगे, आप जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे, और जो हमारे पास कोस यू है उसको मान लेंगे जेड, इसका मतलब जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है ना, ठीक है। अब डायरेक्ट क्या करते हैं, फंक्शन के बारे में देखते हैं, तो न्यूमरेटर में पावर सबकी सब वेरिएबल की सेम है, सेम ऐसे डिनोमेटर में सबकी सेम है, इसका मतलब क्या पूरा लिख देंगे कि दिस फंक्शन z इज अ होमोजेनियस फंक्शन, क्या है होमोजेनियस फंक्शन है। देखिए यहाँ पर रूट का मतलब होता है 1 बाई टू, है ना, इसकी पावर 1 बाई टू क्या होती है, रूट होती है, इसकी पावर 1 है, दोनों सेम है। तो हमने क्या कहा, दिस फंक्शन z इज अ होमोजेनियस फंक्शन, देन वी कैन अप्लाई आइलर्स
थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या कहता है कि x डेल z बाई डेल x प्लस y डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ z, यही कहता है ना। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू क्या है, x डेल बाई डेल x ऑफ z क्या है, z आपके पास है cos u प्लस यहाँ से y डेल बाई डेल y, z क्या है आपके पास cos u इक्वल्स टू n का मतलब क्या, पावर ऑफ न्यूमरेटर माइनस पावर ऑफ डिनोमेटर, और पावर ऑफ न्यूमरेटर कितना है 1 और पावर ऑफ डिनोमेटर कितना है 1/2, ठीक है ना। यानी 1 माइनस 1/2 ऑफ z, z कितना है cos u, cos u, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके कैसे लिखेंगे, x cos u का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin u, ठीक है ना, और u का क्या होगा डेल u बाई डेल x प्लस सेम ऐसे यहाँ पर cos रहा है cos है, cos u का होगा माइनस sin u, और u का क्या होगा डेल u बाई डेल y, y के रिस्पेक्ट में है, और इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस हाफ क्या होता है हाफ, यानी 1/2 ऑफ cos u, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल आएंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, यानी यहाँ से क्या बचेगा माइनस x ऑफ sin u डेल u बाई डेल x, यहाँ क्या बचेगा माइनस ऑफ y sin u डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ cos u, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम यहाँ से माइनस sin u कॉमन ले लें क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड से, अगर हम माइनस ऑफ sin u कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा x डेल u बाई डेल x प्लस y ऑफ डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ cos u, ठीक है ना। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x डेल u बाई डेल x प्लस y ऑफ डेल u बाई डेल y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 डॉट cos u बाई sin u। और अब बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं cos बाई sin क्या होता है, cot होता है tan का जस्ट उल्टा, यानी x डेल u बाई डेल y प्लस y डेल u बाई डेल डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू माइनस टू 1/2 ऑफ cot u, माइनस में इसको उधर लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा, है ना। यानी आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस 1/2 ऑफ cot u प्लस 0। देखिए ये आपको प्रूफ भी करना था, आपको प्रूफ भी करना था ना, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा, पूरा सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है ना। क्लियर इतना ना। ये देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल का पहला पार्ट हम करते हैं, सेकंड पार्ट आपके लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है ना। एग्जांपल हम लेते हैं 10 के फॉर्म में, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये है इफ u इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब, x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y, अगर इस फॉर्म में देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, सिंपल है कुछ नहीं करना है। तो इसका पहला पार्ट हम कर दे रहे हैं, सेकंड पार्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है आपको, साइन टू यू, साइन टू यू। सेकंड पार्ट जो आप लोगों को प्रैक्टिस करना नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। या जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो पहले हम एग्जाम्पल सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। आप लोग करिएगा ज़रूर, क्या प्रूव करना है, x x स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऑफ डेल टू यू बाई डेल y स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल्स टू
वन माइनस फोर साइन स्क्वायर यू इंटू साइन टू ए टू यू साइन टू यू देख लीजिए, ये प्रूफ करना है साइन टू यू, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, दोनों तो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। आपको ये नॉर्मल बता दे रहा है पहला वाला, ठीक, ताकि पहला वाला बताने का रीजन ही है ना, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। सेकंड टाइप ये वाला है, जब ट्राई करिएगा नहीं होगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। इसलिए ये वाला हम आपको होमवर्क दे रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। देखिए पहले आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर इसका, फिर क्वेश्चन करवाने के बाद फिर हम लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। हो गया ना, चलिए देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का वही तरीका जो हर बार हम लोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, कैसे, यू इक्वल्स टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। डायरेक्ट आप फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, टेन यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, है ना। इसमें आपने क्या कह दिया कि जो टेन यू है ये जेड के इक्वल है, ये इम्प्लाई करेगा कि z इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। चलिए फिर अब यहाँ से फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ देखिए दोनों के पावर 3-3 है, यहाँ 1-1 है, इसका मतलब दिस फंक्शन इज, लिख लीजिए दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन, है ना। देयरफॉर वी कैन अप्लाई, देयरफॉर वी कैन अप्लाई, क्या अप्लाई कर सकते हैं आप, देयरफॉर वी कैन अप्लाई आयलर्स थ्योरम, है ना, कर सकते हैं कि नहीं। हो जाएगा ना, देखिए लिख लीजिएगा, बार बार लैंग्वेज आपको लिखाया गया है ना, लिखेंगे लिखते तो प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करना है आपको, अगर जेड होमोजेनियस फंक्शन है देन वी कैन अप्लाई द आयलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन जेड, और जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स y of del z by del y is equals to क्या है, क्या आएगा यहाँ पर, n times u, यानी देखिए सॉरी n times z, u नहीं z, n times z, क्योंकि इसका फंक्शन आप z ले रहे हैं ना कि u, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, x del z by del x plus y del z by del y is equals to n z, ठीक है, आया ना। तो प्रूफ करिए इसको, x del by del x of z की जगह क्या है भाई, tan u, ठीक है ना, प्लस वाई ऑफ डेल बाई डेल वाई जेड का जेड इज क्या है, टेन यू इक्वल्स टू एन ऑफ टेन यू, एन कितना, एन की वैल्यू कितना है, एन कितना है 3-1 ऑफ टेन यू, ठीक है ना। यहाँ से देखिए एक्स बाई सॉरी एक्स टेन यू का क्या होगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, है ना, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ सेक स्क्वायर यू डेल यू बाई डेल वाई टू टाइम्स ऑफ, इसको ले सकते हैं क्या, साइन यू बाई कोस यू, लिख सकते हैं ना, साइन यू बाई कोस यू लिख सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम क्या करने, क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेक स्क्वायर यू को कॉमन ले रहे हैं, अगर आप सेक स्क्वायर यू को कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जस्ट इक्वल्स टू टू टाइम्स साइन यू बाई कोस यू, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में है तो भाई साहब डिवाइड में जाएंगे, और डिवाइड में जाकर क्या होगा इनका, एक्स टाइम एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू टू बाई सेक स्क्वायर यू, देखिए इनको बटन भेज दिया हमने, सेक स्क्वायर यू साइन यू बाई कॉस यू, ठीक है ना, ठीक है। मतलब को किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू टू टाइम्स सेक स्क्वायर यू, क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाई कॉस स्क्वायर u इंटू साइन यू
बाई कोस यू, यहाँ से क्या होगा कोस स्क्वायर यू क्या होगा ऊपर जाएगा, और क्या होगा आपके यहाँ एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई यू डेल यू बाई डेल वाई, टू टाइम्स ये ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर यू इंटू साइन यू अपॉन कोस यू। देखिए कोस यू से इनका स्क्वायर कट हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, यानी यहाँ से आपके पास क्या बचेगा भाई एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू टू टाइम्स साइन यू कोस यू। और आप ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये भी आप बहुत बढ़िया से जानते हैं क्या, ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन करता है ना टू साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, टू साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन टू है ना, जानते हैं आप लोग। डायरेक्ट आप क्या करेंगे यहाँ फॉर्मूला को रख देंगे, हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू साइन टू यू। और ये आपको क्या करना था प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था ठीक है ना, 24 यू है ठीक है ना, ठीक। ये आपको क्या करना था प्रूव करना था, यहाँ पे कोस फोर नहीं कोस यू ठीक है, ये आपको प्रूव करना था और ये आपने प्रूफ कर भी दिया है ठीक है ना। देखिए पूरा पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आपको डायरेक्ट लाइन टू लाइन एकदम जैसे करें तरीका होता वैसे करिए, तो नंबर भी कटने का चांसेस नहीं रहेंगे है ना, समझ में भी आ जाएगा आपको ठीक है ना। ये पूरे वे से यू को मानना है कैसे क्या, आपने जेड माना है कैसे क्या क्या पूरा पूरा आपको बताना रहेगा ठीक है ना, ठीक है। और उसका जो सेकंड पार्ट वो आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में तो करवाएंगे ये वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको हम प्रूव करवा देंगे ठीक है ना। आप अपनी तरफ से ट्राई जरूर करिएगा ठीक है ना, तो फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं है ना। ये कुछ एग्जांपल्स थे आईलेस थ्योरम के इम्पोर्टेंस के लिए ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए मन लगा के ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी, अगर आई तो भाई सब अटेंडेंस लगाते हैं वैसे लाइक कर दिया करिए ठीक है ना। और चलिए ठीक है, आज क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।